रोज सुबह उठते हो, उठने के बाद सोचते हो कि आज के दिन एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूंगा, आज पूरी जी जान लगा करके पढ़ाई करूंगा, कहीं भी इधर उधर एक भी सेकंड मेरा बर्बाद नहीं होगा। बट जैसे पढ़ने बैठो, 10-15-20 मिनट जैसे बीतता है, तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट। फिर तुम सोचते हो कि यार अभी थोड़ी देर रुक जाता, अभी तो शुरुआत है, सुबह है यार, आराम से भी फ़ोन चला लेता हूँ, कुछ देख लेता हूँ या घूम करके आ जाता हूँ। अरे अमेज़न प्राइम ने इतना बढ़िया शो निकाला, अरे यार इसको देख लेता हूँ, फिर अभी पूरा दिन बचेगा ना, 12 बजे के बाद 10 बजे के बाद पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। बट ऐसे करते 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 तुम्हारा पूरा दिन निकल जाता है, रात को फिर रिग्रेट होता है, फिर कहते हो कल से एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूंगा। सेकंड डे स्टार्ट हुआ, फिर माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, एक जगह डिस्ट्रैक्ट हुआ, टाइम पूरा वेस्ट होता है, रात हो जाती है, फिर कहते हो अगले दिन से करूंगा। और ये तुम्हारा डेली का शेड्यूल बन चुका है। 12th के बच्चों को खासकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम लोग की एंड क्लास है, अब इसके बाद तुम्हें कोई क्लास नहीं मिलेगी, सीधा तुम्हारा करियर स्टार्ट होगा। और ये बात तुम्हें समझनी है क्योंकि अब इसके बाद ऐसे नहीं कहोगे कि यार अब नई क्लास में जाऊंगा ना तब अच्छे से पढ़ूंगा, अब ऐसा कुछ कहने लायक नहीं बचोगे। जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा उसका करियर आगे चल के बहुत अच्छा सेट होगा, जो नहीं पढ़ेगा, जो अनवांटेड इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर ग्रैब करके रखेगा कि बिग बॉस में क्या हुआ यार, अरे अरे यार यहाँ पे ये हो रहा, अरे यार सीमा हैदर पकड़ी गई, ये अनवांटेड इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारे माइंड को नहीं पता तुम अच्छी इन्फॉर्मेशन या बुरी इन्फॉर्मेशन क्या भर रहे हो, उसको इतना पता है तुम इन्फॉर्मेशन को भर रहे हो। और तुम यहाँ पे अगर अपनी पढ़ाई वाली चीज़ों को छोड़ करके इन इन्फॉर्मेशन को भरोगे, वो इन इन्फॉर्मेशन से भी थकेगा, और जब वो थकेगा रात को सो जाएगा, फिर अगले दिन उठेगा, फिर वो माइंड चार्ज होता है और फिर तुम उसको अनवांटेड इन्फॉर्मेशन से भर देते हो। उसको नहीं पता कि तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तुम अगर स्टडी भरोगे वो उससे थकेगा, और स्टडी से अगर थकेगा तो कुछ माइंड के अंदर अच्छी चीज़ें तुम्हारी इंक्लूड रहेंगे, अगर इन चीज़ों से थक गया ना तो फिर गए, तुम गए एक्चुअल में। और इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है, वो है प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रैटेजी कि तुम्हें किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को इस टाइम पे करना है। अगर ये चीज़ तुम्हारी इंक्लूड हो गई तो 98% चांस है कि तुम एक सही ट्रैक पर आ जाओगे, ये एक्चुअल बात है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात, अपने गोल को सेट करो क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, मेरी बात को समझो। एक सेकंड आगे स्किप मत करना क्योंकि मैं ये वाली बातें नहीं बताने वाला जो हर कोई कहता है कि अपने गोल को सेट कर लो, कुछ यूनिक बताने वाला जो तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। क्लास 12 की डिटेल वीडियो है, इसके बाद तुम्हें 25-30 मिनट वाली स्ट्रैटेजी देखनी नहीं पड़ेगी, एकदम शॉर्टेड, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो है, मेरी बात को मान लोगे तो भाई सच कह रहा हूँ जिंदगी भर सुखी रहोगे, हमेशा सुखी रहोगे। सबसे पहले मैंने लिखा ना सेट योर गोल। एक्चुअल में गोल क्या होता है, हर किसी ने आज तक कहा होगा गोल सेट कर लो। मैं तो बताता हूँ गोल एक्चुअल में क्या होता है। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे एक फ़ोन खरीदना है, ठीक है, मैंने फ़ोन यहाँ पे सोच लिया कि मुझे एक फ़ोन खरीदना है। अब यहाँ पे फ़ोन खरीदना मेरा टारगेट है? नहीं, टारगेट क्या होगा, मुझे यहाँ पे आईफोन खरीदना है, एप्पल का जो भी हो यार, जो भी नया एडिशन है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख का हो, मुझे वही वाला खरीदना है। मेरा फिक्स हो गया कि मुझे आईफोन खरीदना है। अब यहाँ पे ये होता है हमारा गोल, ये होता है गोल। अब आईफोन जब मैंने सोच रहा मुझे खरीदना है, अब आपका माइंड तुम्हें ना सॉल्यूशन देना स्टार्ट करेगा। क्या सॉल्यूशन देना स्टार्ट करेगा? सबसे पहला कि अगर तुझे आईफोन खरीदना है तो उसके लिए तेरे पास 1 लाख रुपए होने चाहिए। ये पहला सॉल्यूशन है दिमाग का, अभी सॉल्यूशन देना स्टार्ट करेगा। अब मेरा दिमाग एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनाएगा कि यार 1 लाख रुपए कैसे आएंगे। अब दूसरा जवाब मिलेगा दिमाग की तरफ से कि यार 1 लाख रुपए आएंगे अगर तू इस काम को करेगा। वो कौन सा काम है वो भी मेरा दिमाग मुझे बताएगा। यहाँ पे आपको ये कहेगा ये काम कर ले, तेरी इससे जो है जॉब लग जाएगी जिससे तेरे को 50,000 रुपये महीने लगेंगे, 30,000 तू घर के लिए खर्चा कर, 20,000 रुपये महीने के बचा, इस हिसाब से तू यहाँ पे 5 महीने के अंदर जो है वो इस वाले आईफोन को ले सकता है। सिंपल, यही होता है तुम्हारे दिमाग के साथ। तुम यहाँ पे क्या करते हो, अपने गोल को कभी फिक्स नहीं करते और एक्चुअल वाले गोल को फिक्स नहीं करते। तुम यहाँ पे टारगेट बना मुझे 98% चाहिए, तुम्हारा दिमाग कहेगा 98%, अच्छा 98% के लिए करना क्या होगा, वो कहेगा पढ़ना होगा तुम्हें। अच्छा पढ़ना काफ़ी होगा? नहीं, पढ़ना काफ़ी नहीं होगा, तुम्हें इसके साथ साथ इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब पढ़ने के साथ साथ तुम्हें यहाँ पे कितने घंटे देने होंगे, 98% चाहिए, तो दिमाग कहेगा 98% चाहिए तो तेरे को उसके लिए कम से कम यार 7 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे, इससे कम भी नहीं। अगर तेरा 50-55 होता, 70% का गोल होता तो बात अलग है, लेकिन इसके लिए 7 घंटे तो मिनिमम देने पड़ेंगे। ये है तुम्हारे दिमाग की कारिस्तानी। तो गोल ना तुम एक्चुअल में जब फिक्स करते हो ना, तुम्हारे दिमाग को सिग्नल जाता है कि अब यार इसके सॉल्यूशन निकालो कि 98% मिलेंगे कैसे। जैसे आईफोन मुझे मिलेगा कैसे, जब मैं इतनी सारी चीज़ों का सॉल्यूशन लेते हुए जाऊंगा दिमाग में। ये बात को समझे,
ये होता है गोल का एक्चुअल मतलब। इसके बाद फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करोगे। एक्चुअल में तुम्हारे पास ऑप्शन दो होते हैं, एक है तुम्हारा ऑनलाइन और एक है तुम्हारा ऑफलाइन। ऑफलाइन की मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ऑफलाइन आप लोग जानते हो, उसके अंदर आपका मतलब इसको टाइमिंग उसके अंदर जाती है, सिंपल बात है। टीचर्स अगर अच्छे नहीं मिल रहे, पैसा दे रखा है फंस गया, उसके अंदर आपका यहाँ पे मथला के बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे फायदे भी हैं नुकसान भी हैं दोनों चीज़ें आपकी। बट ऑनलाइन की बात करूँ, ऑनलाइन के अंदर देखो ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ऑनलाइन के अंदर ऑप्शन होता है बच्चों के पास। तो जितने टीचर्स हैं ना उनकी खुद के अंदर एक डर होता है भाई क्रिस्प लेक्चर रखना है, फालतू की बकवास नहीं करनी, वरना बच्चा दूसरे के पास चले जाने में टाइम नहीं लगेगा। तो ऑनलाइन के अंदर यही फायदा होता है कि आपका टाइम बचता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें चलती है, फालतू की बकवासें नहीं चलती जो कि आपको अलग अलग जगह पे चलती है। मैं सिंपल सी बात कहूँगा, ऑनलाइन के अंदर आपको हाई क्वालिटी के लेक्चर्स मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको उसका कहीं कहीं जगह सॉल्व कराए जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं बने बनाए, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा फायदा तो यार ऑनलाइन के अंदर है। बट ट्वेल्थ की बात करूँ, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स को देखा जिनके अंदर आपके यहाँ पे लेक्चर्स कंप्लीट है बट वो वन शॉट के कंप्लीट है, करा रखा किसी ने तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन नहीं करा रखे, और प्रीवियस क्वेश्चन आप यहाँ पे एसोसिएशन रीजन वाले हैं, कुछ यहाँ पे आपके एक्स्ट्रा वाले निकल गए। तो मैं सिंपल सी एक बात कहूँगा, तुम यहाँ पे जो साल का खर्चा कर रहे हो ना वो बिल्कुल मत करना। सिंपल 1-2 हज़ार रुपये का कोर्स है PW का परिश्रम, सिंपल अभी स्टार्ट हुआ है यहाँ पे 2.2। परिश्रम 1 में आपका कंप्लीट हुआ था, उसका आपको फ्री लेक्चर उसके साथ मिल जाएंगे। बट इसके अंदर क्या क्या मिलेगा सुनो, 2000 रुपये में तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा हाई क्वालिटी लेक्चर्स, उसके साथ नोट्स मिल जाएंगे, क्लास के DPP मिलेगी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर, तुम यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा कि चेक कर लोगे कितना तुम्हारा एक्चुअल में कंप्लीट हुआ है। तुम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, उसी के अंदर इंक्लूड होंगे, समझा करके कराए जाएंगे, किताबें तो मिल जाती हैं बट समझाता कोई नहीं है। तुम्हें यहाँ पे CUET की भी तैयारी कराई जाएगी, IIT, NEET, JEE अगर नहीं होता है CUET का भी एग्जाम दोगे, कोई अच्छा खासा कॉलेज अगर तुम्हें मिल गया, चाहे वो श्रीराम कॉलेज हुआ, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, अगर ऐसे कॉलेज मिल गए तो भी तुम्हारा बेड़ा पार है। तो यहाँ पे तुम्हें सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है इस छोटे से कोर्स के अंदर 2000 रुपये के। एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए TOU 150 कैपिटल में लिख देना, तुम्हें यहाँ पे 150 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब टोटल कोर्स 1850 रुपये का है। मैं रेकमेंड क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, वो ये है कि ये कम दाम के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें तुम्हें मिल रही है ना, जो कंप्लीट चीज़ें मिल रही हैं, कि तुम्हें अब देखो बाहर भटकना नहीं पड़ेगा, एक जगह एक बार ही खर्चा करना है, सिंपल तुम्हारा कंप्लीट पूरे साल का खत्म। इसलिए मैं तुम्हें इस चीज़ को रेकमेंड कर रहा हूँ, काफ़ी बच्चों ने ले लिया इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ। अब जो बच्चे बच रहे हैं आप बाय करना चाहते हो तो कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अगर ये कूपन कोड डाल दोगे तो तुम्हें 150 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा, तुम्हारे लिए फ़ायदा है इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान देना होगा, कोचिंग्स काम नहीं आने वाली, कब तक, जब तक कि तुम यहाँ पे अपने से मेहनत नहीं करते, क्योंकि कोचिंग सिर्फ आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है, कोई भी कोचिंग ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हर बंदा यार आपको सपोर्ट देगा, एक आपके स्टैंड बन के खड़ा होगा। कुछ बंदे कहते हैं ना यार इस कोचिंग से ना बहुत रिजल्ट निकलते हैं, इससे तो निकलते ही नहीं है ये तो कुछ, भाई हर बंदा ना आपको बराबर चीज मटेरियल देता है, यहाँ पे कहने की बात बन चुकी है अब कि इस कोचिंग से ज़्यादा निकलते हैं यार, इनके पास ना वो क्वेश्चन मिल जाते हैं। आज के टाइम पे हर बंदा इंटरलिंक्ड है एक ऑर्गेनाइजेशन से, अगर आप बात कर रहे हो इस यहाँ पे कोई एक ट्यूशन सेंटर है ये दूसरे ट्यूशन सेंटर वाले का नहीं जानता, अबे सब जानता है, उसके सारे के सारे मॉड्यूल वो जानता है, ये इसका भी जानता है, दोनों एक दूसरे के जानते हैं, यहाँ पे किसी से कुछ नहीं छुपा। जो भी रिजल्ट आता है, जो भी रैंक आती है, वो सारी की सारी आती है एक बच्चे की मेहनत पे, सिंपल बात बता रहा हूँ आपको, सारी रैंक सारी चीज़ें मेहनत पे डिपेंड करती है, इसलिए लगता है कि वहाँ से निकलते हैं बच्चे, निकलते ही नहीं है, बच्चा निकाल रहा है खुद मेहनत करके, सिंपल बात। टू स्टार्ट, स्टार्ट किस तरीके से करोगे, स्टार्ट करने का सबसे पहला तरीका है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं और आर्ट्स के, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर तुम्हें पता होंगे तुम्हें स्टार्टिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी, स्टार्टिंग करने के साथ साथ पेपर में क्या क्या आएगा ये तुम्हें पता होगा ना, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का फायदा मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ों का। तो सबसे पहले तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए, कहाँ से मिलेंगे, मैंने डालने स्टार्ट कर दिए हैं, सबसे पहला मैंने केमिस्ट्री का डाला है, अभी बायो का डलेगा, फिजिक्स का डलेगा, अकाउंट्स का डलेगा, कॉमर्स वाले बच्चों का डलेगा, आर्ट्स वाले बच्चों का डलेगा। आर्ट्स वाले बच्चों के साथ मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, भाई अपना सब्जेक्ट लिख करके जाओ, जो सब्जेक्ट के तुम ज़्यादातर होगे मैं वही सब्जेक्ट का जो है वो डाल दूंगा, बट लिख करके ज़रूर जाना, वरना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें पता होने चाहिए। अब के टाइम पर पता होना चाहिए क्योंकि अब तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, अब तो पता होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है तुम्हारे पास।
ओनली सॉल्व पी वाई क्यू। यस, ये चीज मैंने क्यों लिखी, मैंने ये इसलिए लिखा है कि पी वाई क्यू सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान देना है कि आपको अंडरस्टैंड करना है अपने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर ना एक ट्विस्ट होता है। हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन निकाल करके देख लेना, एनसीईआरटी को कंपेयर कर लेना भाई, ऐसा ट्विस्ट मिलता है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आप कहोगे यार इतना हार्ड, बस यही तुम्हारी हालत होगी। बट एक्चुअल में उस टाइम पे तुम्हें डरना नहीं है, बोर हो सकता है, काफी बंदे बोर हो जाते हैं, हार्ड क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, एनसीईआरटी करूंगा, बट बोर मत होना, ट्विस्ट मिलेगा बट बोर मत होना, क्योंकि ये तुम्हारे पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपनी जान बना लिया, तुम पेपर में फैमिलियर हो जाओगे, तुम्हारे लिए ना पेपर इंपॉर्टेंट, पेपर में भी जाओगे ना घर में जैसे रोटी खाने बैठे हो, उतना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। सिंपल बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्विस्ट को समझो, बोर होने से बचो, हार्ड क्वेश्चन वाले से बोर होने से बचो। हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है, हार्ड क्वेश्चन से नहीं बचना, लेकिन बोर होने से बचना है मेरे भाई, ठीक है, बोर होने से बचो। इसके बाद अपने टीचर का कंप्लीट यूज करना। अगर तुम यहाँ पे फिजिक्स वाला का बैच ले रहे हो तो डाउट पूछना, दबा करके पूछना, डाउट का जवाब मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। पहले से तो डाउट आएगा नहीं, क्योंकि सारे के सारे चीज़ें तुम्हारी कंप्लीट बताई जाएंगी, सब चीज़ें कंप्लीट होंगी, मजे से घर पे बैठ के लेक्चर चलाओ, आराम से बैठ के पढ़ो आराम से, ठीक है। सिंपल बात है, मैं एकदम प्यार से बता रहा हूँ आपको। तो डाउट आपको मिलेगा तो कंप्लीट उसका भी यूज़ करना, डाउट सेक्शन का भी यूज़ करना, हर चीज़ का यूज़ करना। आपस में बच्चे भी यहाँ पे जो है वो कॉन्टैक्ट करते हैं, बातें करते हैं, चैट करते हैं, उनका भी यूज़ करना, अपनी बातें उनको जो भी होगा, ठीक है। तो ये था यहाँ पे कंप्लीट आपकी स्ट्रैटेजी। अगर तुम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो अभी के टाइम पे, तो डेफिनेटली करो, बहुत आगे बढ़ जाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। धन्यवाद।